वाचा कर्म। कहते हैं जो ये ब्रह्म विद्या है वो जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो श्रद्धा, देखिए जो अभी हम उदाहरण दे रहे, श्रद्धा भक्ति ध्यान इन तीनों योग के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा श्रद्धा भक्ति और ध्यान, यहाँ पठन कहीं नहीं लिखा, लिखा कहीं पठन ये पढ़ करके। अगर आप श्रद्धा है भक्ति है और ध्यान है तो तीनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो ब्रह्म तत्व, ना तो कर्माचरण से। इस ब्रह्म तत्व को हम कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिए इस बात को, ना अधिक ज्ञान मिलने से। अगर ज्ञान से परमात्मा मिलता तो उद्धव को ब्रज में नहीं भेजते। उद्धव गोपियां कितनी पढ़ी थी कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन उद्धव इतने ज्ञानी थे उन्हें भी परास्त कर दिया, ये प्रेम में पढ़े। उसे केवल त्याग पूर्वक श्रद्धा, केवल त्याग पूर्वक श्रद्धा भक्ति ध्यान से प्राप्त कर सकते। उसने श्रद्धा रखी होगी भक्ति, तब उसको बिना पढ़े पे पूजा याद हो। अब इसके बाद अपनी पूरी कौन है? नौतन। तो निजानंद संप्रदाय की पूरी नौतनपुरी है जामनगर, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी का यही प्राकट हुआ। इन्हीं के ऊपर पंच शक्ति आवेश होकर के स्वसम वेद अवतरा, जो स्वसम वेद की उत्पत्ति है वो इन्हीं से हुई। अब आप लोग घड़ी देख रहे हैं, हैं? अब है बहुत है, अब है पक्ष है, कल की प्राप्ति है, नहीं है तो कल सुना है। ये धीरे से सुनो तो पल्ले पड़ेगा, जा वैसे पढ़ोगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। राज श्याम राज श्याम राज श्याम
जाई विधि आई है ताई विधि गई जाई विधि आई है ताई विधि गई बोलिए सतगुरु महाराज की जय श्री जुगल किशोर को जाप है श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तार तनु सोए मंत्र तार तनु सोए ब्रह्म विद्या देवी सही उरी नौ तन मम जोए उरी नौ तन मम जोए प्रिया तुम तैसी पीजियो Thank you.